और मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाह से है तो इतिहास गवाह है भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करते कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखते हैं कि खींच के भी लेके आएंगे, इस बात को भी आज याद रखना, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते किसी को इतनी जाय नहीं देते। मैं ना उनको ताकतवर मानता हूं और ना ही मैं ये मानता हूं कि उनके नेतृत्व में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरह से गुंडों जैसा बर्ताव उनके साथ हुआ और पूरी सरकार ने हमारी पगड़ी का तमाशा देखा और हमें बेइज्जत किया दिल्ली से। दिल्ली इच्छा थी कि जहां अन्याय के खिलाफ बिगुल बजेगा मैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आऊंगा। तो मैं आप यहां सबको नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं, इसलिए करता हूं कि जहां एक तरफ देश की केंद्र की सरकार और जहां सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस अन्याय के समर्थन में खड़ी है, वहीं इस देश की किसान कमेरी कौम जो हमेशा से अन्याय के, चाहे वो अंग्रेजों का अन्याय हो या किसी और का अन्याय हो, जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया, उन कौमों ने फिर मान सम्मान और पगड़ी की इस लड़ाई में आवाज दी है। उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं यहां मंच पर और मंच के सामने आसपास के माहौल को भी देख रहा हूं, बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत तकलीफ है लोगों के अंदर। अगर आज ऐलान हो जाए तो दिल्ली में बैठे बादशाह को यह खबर लग जाएगी कि कुछ ही घंटों में जो है सारे बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। ये ताकत है किसान कमेरों की। लेकिन सवाल यह है कि आज मुकाबला किससे है और आज हालात क्या है, इसको भी समझना और देखना पड़ेगा। अगर मुकाबला उन लोगों से होता जिनमें चरित्र है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत है, तो मुझे लगता है उनसे मुकाबला करने के लिए पहलवान काफी थे। लेकिन मुकाबला उनसे है जो बहन बेटियों की आवाज को, इस अन्याय को दिल्ली की कुर्सी में बैठ के नहीं देख रहे हैं या देखने नहीं चाहते। मैं ना उनको ताकतवर मानता हूं और ना ही मैं ये मानता हूं कि उनके नेतृत्व में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आपने देखा आज जो हम लोग इकट्ठा हुए, हमारा दर्द यह है कि 28 मई को क्या हुआ। जब 28 मई को वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जब वो 28 मई को महिला पंचायत के लिए निकली, तो उन्हें क्या सहना पड़ा, किस तरह से गुंडों जैसा बर्ताव उनके साथ हुआ और पूरी सरकार ने हमारी पगड़ी का तमाशा देखा और हमें बेइज्जत किया दिल्ली से। उस अपमान को हम लोग नहीं भूले और इसलिए आज जमीन पे हमारे लोग यहां इसलिए बैठे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चल के आए हो या पंजाब से, हरियाणा से या राजस्थान से, वो इस सरकार को इस अपमान के खिलाफ बगावत का ऐलान करने के लिए आए हैं कि हम किसान कमेरे, हमारी पगड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहनें हमारी मां उनका सम्मान, और अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन बेकार है। ये ऐलान करने के लिए आज हम लोग यहां आए। और जो झूठ तमाम तरह का फैलाया जा रहा है कि एक जाति के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा झूठ किसान आंदोलन में भी फैलाया गया, ऐसा झूठ हर आंदोलन में फैलाया जाता है। लेकिन आप किसान आंदोलन का भी परिणाम याद रख लो, अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों में मानेंगे, लेकिन आपकी किसान कमेरों की ताकत के आगे ये तानाशाही सरकार झुकेगी और वो आरोपी भी अरेस्ट होगा, वो जेल भी जाएगा, उसको सजा भी होगी, ये बात आप याद रखना। ये किसान कमेरों की धरती भी है और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी और तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने इस किसान कमेरे वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज उनकी एकता को बुलंद करने के लिए हम लोग आए।
और हम ये मानते हैं कि सरकार से बिना एकता के नहीं जीता जा सकता है। वो एकता जो इनकी जड़ें उखाड़ देगी, और वो एकता एकमात्र एकता है किसान कमेरों की एकता। गांव में रहने वाला किसान कमेरा जो एक दूसरे का साथी है, अगर वो एकजुट हो जाएगा, भाईचारा बनाएगा, इनकी नफरत के एजेंडे में नहीं आएगा और हक हकूक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगा, अपने नेताओं के अपने लीडर के हक हकूक उनके निर्देश में काम करेगा, तो मेरा यह मानना है कि आज नहीं तो बहुत जल्द ये सरकार घुटनों पे आएगी और देश के प्रधानमंत्री फिर से माफी मांग किसानों से, कमेरों से, महिला पहलवानों से, हमारे पुरुष पहलवानों से, हमारे कोचों से, सबसे माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि हमने गलती की, हमने गुंडे का आरोपी का साथ दिया। और मेरा यह मानना है जैसे जैसे आपकी पंचायत बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका झंडा डंडा एकजुट हो जाएगा, वैसे वैसे वो दिन करीब आता जाएगा। मुझे एक शिकायत है आपसे, ये कहना जरूरी है, आज हमें अपनी पगड़ियों को अपनी बहनों के सम्मान में इकट्ठा कर लेना चाहिए। जब बात आन पे आ जाए, जब बात इज्जत पे आ जाए, तो फिर हमें अपने नाक को नहीं देखना चाहिए, अपनी पगड़ी को नहीं देखना चाहिए। हमारी पगड़ी, हमारी बहनें, हमारी हमारा गौरव, हमारा सम्मान। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हालात देखिए, अगर हम अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो घर जाके अपनी बहन बेटियों को क्या जवाब दे पाएंगे, ये भी सवाल आप अपने आप से करना। आज हमें अपनी पगड़ी की नहीं, अपनी एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हमें सर्वे सर्वा बनने की नहीं, हमें अपने हिस्से में इस जीत को लेने की नहीं। ये बहन बेटियां हमारी पहलवान जीते, उनके आंसुओं का मोल हो और फिर कोई ताकतवर हमारी पगड़ी से ना खेल पाए, इस बात का भी ध्यान रखना, इस बात की भी इज्जत रखनी। आज ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है सब लोगों के। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वाकई में जीतना है तो एकजुट होकर लड़ो। और हमारे पास गार्जियन के रूप में गवर्नर साहब बैठे हैं, दो तीन मसले जो उन्होंने उठा रखे हैं, चाहे वो पुलवामा का हो, या किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का हो, या मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का हो, वो तभी कामयाब हो पाएगा जब हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, वरना टुकड़ों में बंट के हम कभी जीत नहीं सकते हैं। मैं आपको अपने समाज की तरफ से, किसान कमेरे समाज की तरफ से गारंटी देता हूं कि जहां इस सम्मान की लड़ाई में बजरंग यहां बैठे हैं, आप पूछ लो, जिस दिन से हम लोग लड़ना हमने शुरुआत किया था, एक दिन मुझसे गलती हुई, क्योंकि हमारे लोगों ने झारखंड में सभा रखी हुई थी। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, अगर उस दिन मैं वहां होता, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। मैंने कहा झारखंड के मंच पर जब मैंने सुना, तो किसी ताकतवर को मैं अपनी बहनों के सम्मान से नहीं खेलने देता। उस दिन जो हुआ वहां, मुझे उस बात की टीस जीवन के आखिरी क्षण तक रहेगी कि किस तरह खून के आंसू इन लोगों ने रोए। लेकिन उसका बदला लेना, उसका एकमात्र कारण, इस तरीका यही है कि हमें उस किसान कमेरे की आवाज को मजबूत करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे खाप के लोगों से मैंने कहा कि इकट्ठे होके लड़ो, इकट्ठे होके। अगर फिर दोहरा रहा हूं, मुकाबला ईमानदार लोगों से होता तो पहलवान बहुत है, और मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाहों से है, तो इतिहास गवाह है भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और एक पंचायत की घोषणा हुई तो आपने देखा कि उनकी पंचायत कैंसिल होगी। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया कि इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, उस दिन वो पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज देगी। आप मेरी बात को याद रखना। बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, और यहां जो हमारे सम्मानित नेता है भीमारी में आजाद समाज पार्टी के, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये हक हकूक की लड़ाई है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुलावा नहीं भेजा जाएगा, कोई पंचायत हो, तन मन धन से और इतनी ताकत से लड़ना कि इतिहास आपको याद रखे कि आपने बहनों के सम्मान की रक्षा करी। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना, जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे।
और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे, इस बात को भी आज याद रखना। क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी जाय नहीं देते कि हमारी हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहने हमारा गौरव थी, है और रहेगी, और उनकी तरफ उनके सम्मान पे आग उठाने वाले याद रखे। सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। हमारी एकता जिंदाबाद, किसान का मेरा जिंदाबाद।